स्टीम को इधर उधर घूमते देख के लग रहा है ना आपको कि क्या हवा चल रही है बाहर, क्योंकि यहाँ विंडो ओपन है और यहाँ से जो आ रही है हवा, चाय पक ही नहीं रही है। उसके साथ में आज मैंने बनाई एक हाफ फ्राई अलट पलट, उसका मुझे बनाना है सैंडविच। उसी के साथ यहाँ पे लगा लिए मशीन और यहाँ पे मेरी पीनू खा रही है खाना। सुबह सुबह एग सैंडविच, उसके साथ चाय और उसके साथ एकदम अच्छा वाला मौसम, और यहीं पे बैठ के मुझे करना है नाश्ता। तो आइए नाश्ता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मंडे है इसीलिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि बहुत जल्दी उठी हूँ। और इसी के साथ साथ कपड़े भी लगा लिए, किचन भी क्लीन कर ली, नाश्ता भी बना ली और अमीन को मैंने उठा के नहाने के लिए भेज भी दी। अब उसके बाद आगे का जैसा भी रहेगा आपको बताते रहूंगी। पहले मैं गरम गरम करती हूँ नाश्ता। जूडियो से शॉपिंग किए थे, जब मैंने आपको बोली थी कि मैं घर पर जाके रिवील करूंगी, तो मैंने सोचा कि जब जब पहनूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वहीं के कपड़े पहनी हूँ। तो फिलहाल अभी इसमें से निकाल रही ये वाले शूज़ और ये वाले ड्रेस, क्योंकि इसके साथ ये शूज़ बहुत अच्छे लगेंगे। और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े ही थे, तो मैंने भी काफ़ी सारे वेस्टर्न कपड़े ही ली हूँ। और आज मंडे है, मैं मोस्ट ऑफ मंडे के दिन इंडियन कपड़े वेयर करती हूँ, क्योंकि काम धंधे का दिन शुरू होता है। पर आज थोड़ा सा मुझे यही काम है और इतनी रश रहती है जहीं जहाँ भी निकलो, क्योंकि गणपति जी जो है अपने पंडालों में जा रहे हैं, तो इसीलिए रास्ते में बहुत रश रहती है। तो ये कपड़े पहनूंगी तो कैसे, बाइक पे रहेंगे तो इजी रहेगा, तो इसीलिए ये निकाल रही हूँ। और ऐसे भी यार, जब लेडीज़ लोग नए कपड़े पहनते हैं ना, तो जान उसमें अटकी भी रहती है। पाल तो लिए, पहन तो लिए, पर स्लीव्स में थोड़ा सा यहाँ आर्म्स में टाइट हो रहे कपड़े ये, तो मुझे लगता है ये टॉप मुझे करना पड़ेगा चेंज। और बाकी ये तो पैंट तो बहुत मस्त है, ये रहने देती हूँ, सिर्फ इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप कैंसिल, अब पहनती हूँ दूसरे कोई कपड़े। कपड़े तो वो नहीं पहने, पर शूज़ मैंने वही पहनी हूँ। और अली को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे शूज़, भागा बोलता एंकर वाले इसके अंदर सॉक्स पहनो, और लाने को गया तो मैं बोली रहने दे गर्मी बहुत लग रही है, तो बोला हाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, गाड़ी लेकर जाओ। मतलब गाड़ी नहीं चाहिए भाई ये ट्रैफिक के टाइम पर। ये देखो मेरा बेटा, मेरे को पिना रहा है सॉक्स, कहाँ मिलेगा ऐसे नसीब से बच्चे बताओ। बोलती हूँ ना मैं हूँ नसीबदार, ऐसी नसीब की माँ कहाँ मिलेगी। ज्यादा ऊपर वाले मत पिना बेटा, हाँ बस बहुत गर्मी बहुत लग रही है, साफ है आपके। हाँ ठीक, स्कूल में जाने के लिए मम्मी पिनाते थे ऐसा रोज आईडी टाई बाल बना के। तो तू भी तो तेरे बच्चों का ऐसे ही पिना के बड़ा सब करेगा ना। ठीक है, देखिए पहला नहा ले तू, देख कितना पसीना पसीना हो गया है। ठीक है, ये पहन लिए मैंने कपड़े, और मेरे बेटे ने बनाया मुझे सॉक्स और शूज। अब निकल रही हूँ बाहर, और अभी तक तो नीचे भी नहीं उतरी, और चेहरे पे पसीना देखो कितना पसीना, और पिंपल्स देखो कितना बड़ा आ गया यहाँ पे। बाप रे बाप, कुछ इतनी मैं तो गर्मी की चीज़ें भी नहीं खाती हूँ, कुछ इतना मसाले भी नहीं खाती हूँ, पता नहीं। और उम्र भी 50 साल हो गई है, क्या है इसका। गर्मी तो यार बेहद गर्मी, देखो ना कितना पसीना आ रहा है। स्टाइल में बाल बाल खुले रखी थी, पर जैसे नीचे उतरी बता रही थी, जैसे घर में से निकलते निकलते पसीना पसीना, नीचे उतरते उतरते फुल पसीना। बांध लिए मैंने बालों को ऊपर और झट से निकली हूँ घर के काम और थोड़ी ऑफिस के काम से। उसके बाद में मुझे फिर आज एक जगह जाना है, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके मिलते हैं। सुबह की जो निकली हूँ अभी फ्री हुई, और इतनी भूख लग रही, अभी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि घर जाऊँ और कुछ बना के खाऊँ। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत लाइट खा लेती हूँ, उसके बाद तो फिर जाके शाम को पकाना ही रहेगा। तो सोच रही हूँ लापिनो उसके मस्त पनीर वाला पिज्ज़ा खाऊँ। इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि स्पैगेटी मेरी कैसी होगी, चीज़ से लोडेड और इतना ज़्यादा उसके ऊपर चीज़ डाल के उसको जो हॉट करते हैं उसकी स्किन बन गई थी। तो वो देख के याद ही नहीं रहा कि मुझे शूट भी करना है। मस्त मैंने और मेरे बेटे ने खाए दबा के। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे खाना था पनीर पिज़्ज़ा, तो वो भी बस चालू था, अचानक में याद आया कि यार मैंने तो कोई चीज़ शूट ही नहीं करी। और ऐसे भी सुबह घर से निकली हूँ, आज इतनी भागम दौड़ी, इतनी जगह जाकर आई हूँ, याद ही नहीं रहा शूट करना। और कुछ कुछ चीज़ें तो मैं अवॉइड भी कर रही हूँ कि मुझे नहीं शूट करना है, बट ये मुझसे भूल हो गई कि मैं इसको करना चाहती थी और मैं उसके मतलब शूट नहीं कर पाई और पहले खा ली। खाना पीना सब हो गया फिनिश, उसी के साथ में मेरा काम भी हो गया फिनिश। अब सीधा जाऊंगी घर, अब मुझे लगता है घर जाके मैं एक दो घंटा आराम।
राजकुमारी के लिए लेने खाना, और आप सबको भी पता है राजकुमारी मतलब मेरी पीनू, मेरी लगते जिगर, मेरी पीनट। सोच कर आई थी कि घर जाके एक दो घंटा मस्त आराम करूंगी, लेकिन याद नहीं था कि कल ही गणपति बप्पा आने वाले और हमारे घर के सामने अथर्वा कॉलेज, और यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से बहुत धूमधाम से गणपति का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, तो वही सब चालू है क्योंकि गणपति पापा तो कल आएंगे। लेकिन मैंने बताया ना कि बड़े बड़े जो गणपति है वो सब लेकर आ रहे हैं, उनकी जो सजावट का जो भी चीज़ें रहती है वो पहले से होती है। तो अभी तो मैं यहाँ पे हॉल में बैठी हूँ, मैं सोची थी कि यहीं पे एक दो घंटा आराम कर लूँ, और इतनी आवाज़ शोरों बोले आराम तो नहीं होगा, पर यह है थोड़ा लेट जाती हूँ, लेटने से क्या थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि सुबह से मैं घर से निकली थी और मेरा चेहरा देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी थक गई हूँ। पर सो नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैंने बोला थोड़ा फ्रूट्स ही खा लूँ, क्योंकि आज इसके लिए मैं बहुत डांटी खाई हूँ। आज मेरी एक फ्रेंड है, वो भी डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर पोला है, कितना मुझे गुस्सा कर रही थी कि तेरे चेहरे पे देख कितना ड्राइनेस हो गया, तेरे हाथ पैर देख कितने ड्राइनेस हो गए, बोले मेरा मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल नहीं चाहता ज़्यादा कुछ खाने पीने, बोले फ्रूट्स खाया कर, पानी पिया कर, मॉइस्चराइजर लगाया कर। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो इतना हो सकता है वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। अभी असर अभी जस्ट खत्म हुई और देखो यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा है एकदम अलग ही आज मौसम लग रहा है, और मुझे असर के टाइम पे एक फ़ोन आ गया था, तो मैं अभी जस्ट उठ के देखी तो तुरंत तैयार हुई, क्योंकि मैंने टाइम दिया हुआ था उनको और मैं भूल गई थी, और सोने तो मिला नहीं क्योंकि इतनी आवाज़ थी तो सोने तो मिला नहीं। और माशाल्लाह चलो नमाज भी हो गई, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है पूरे घर में अगरबत्ती की और बकूर की जो मैं लगाई हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब पहले वहाँ जाकर आती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ, तो अब रास्ते में पीऊँ या फिर आके पीऊँ ये नहीं पता, क्योंकि मैंने टाइम दी हूँ और टाइम के ऊपर घड़ी जा चुकी है, तो ज़्यादा लेट करना अच्छी बात नहीं होता है। तो हम पहले वहाँ जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद अगर टाइम मिला तो वहाँ चाय पियेंगे, नहीं तो फिर घर आके पीते हैं। जिनसे मिलने आए थे मैं तो मिल के उतर गई, मुझे थोड़ा ही काम था, पर अमीन को कुछ बात करनी थी, तो अमीन बोला आप नीचे उतरो जब तक मैं उतर रहा हूँ, तो मैं उतर गई, लिफ्ट चली गई ऊपर, अब मैं उतरती हूँ नीचे, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी स्टेप है और इतनी ट्रैफिक है। अभी जस्ट मैं वहाँ से आई थी, इतनी सारी जगह पर हम तो गली मार कर आ रहे थे कि जल्दी पहुँच जाए, पर वहाँ पर ज़्यादा फंस गए, क्योंकि देखो स्टेप उतरनी चाहिए हमें स्टेप ऐसे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सोचे कि जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे, पर गलियों में जहाँ पे निकलने का चांस रहता है वहाँ गणपति अगर बड़े आ रहे तो वहाँ ज़्यादा फंस रहे। मेन रोड है, एसवी रोड है, लिंक रोड है, तो यहाँ से कैसे ट्रैफिक निकल जाता है। अब वापस मैं इसको अमीन को बोली कि अभी अपन सीधा एसवी रोड से जाएंगे, गली वली कोई मारेंगे नहीं, और मुझे हल्की हल्की बारिश गिर रही है, देखो पूरी ज़मीन यहाँ गीली है हल्की हल्की, मैं आई जब नहीं थी बारिश, तो मुझे पीनी है चाय, तो कहीं रुक कर पीऊँगी चाय, उसके बाद पहुँचती हूँ घर। और अली बहुत थका हुआ था तो सोया था अली, अब जाके उसको पूछूंगी क्या खाएगा बेटा, तो फिर वो मस्त डिनर बनाती हूँ। ये आ गया अमीन, और कब से उसका वेट कर रही हूँ, क्या इतनी बात कर रहा था, इतना टाइम लगा दिया, बोला आप उतरो मैं नीचे उतरता हूँ, चलो फटफट आओ, चलो मेरे को चाय भी पीनी है अमी। हल्की हल्की बारिश में चाय पीने की मजा ही कुछ और होती है, और ये तो बहुत मेरी फेवरेट चाय है, जहाँ भी मैं देखती हूँ ना इनको मामा जी को तो रुक जाती हूँ, चाय पीकर जाती हूँ मामा जी की, क्योंकि मामा जी बहुत बड़ी केटली लेके खड़े रहते हैं, और इसीलिए मैंने बड़ा कप ली, अमीन लिया छोटा कप, और हम पी रहे चाय, हल्की हल्की बारिश, ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म चाय का मजा। अभी खाली की चाय नहीं पिएगे, अभी भी कुकीज दी है देखो। मैं सच्ची बोलती हूँ, पता नहीं क्यों लोग मेरी बातों को आपके सामने झूठ प्रेजेंट करते हैं, जैसा जो रहता है जो सोचती हूँ
जैसे जीती हूँ वही आप लोगों के सामने पेश करती, पर पता नहीं क्यों यार मेरे हेटर्स लोग मुझे बदनाम करने पे तुले हुए। मत करो यार, ये मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहती हूँ, ये शॉप में मेरे बच्चे जब 2 साल के थे ना अली, तब से मैं अम्मी के साथ आती हूँ, मेरी बहन लोग आते हैं, फिर मेरी खाला के लड़की के बच्चे आते हैं, और अभी फिर से मैंने अमीन के लिए कुछ लिया है। और यहाँ पे आज तो बहुत अच्छे अच्छे फुल वाले कॉर्सेट मिले आए हैं ना, बहुत मस्त है, लेकिन टाइम नहीं, इतनी ज़्यादा रोड पर गर्दी है, तो हम बोले पहले घर पहुँचते। ये वाली उड़ी अच्छी लग रही है अम्मी, बस यार इतने सारे आपने वापस दिला दिए, बस अच्छी लगी पर्पल वाली, लेगा नहीं नहीं बस बस। देख रहे हो हल्की हल्की बारिश और उसके साथ में जहाँ निकलो वहाँ गणपति बप्पा की धूम। मैं तो बाबा गणपति बप्पा से प्रे करती हूँ कि आप आओ और सारी दुनिया के दुख अपने साथ लेके पानी में डुबा दो। इतना मस्त लग रहा है, देखो जहाँ देखो वहाँ धार धूर गणपति बप्पा सवार एकदम। ट्रैफिक को अवॉइड करो, वहाँ पे डेकोरेशन के ऊपर ध्यान दो। क्या मस्त लग रहा है यार, हर जगह पे सजावट। रात के 9 बज रहे और अभी तक अली सो रहा है। अली, ओ अली, क्या बनाओ खाना? क्या बनाओ बोलना बेटा, चिकन बनाओ, खाएगा? ये देखो इसकी फिक्स जगह है, यहाँ पे मैं सोती हूँ रात को, और ये इसकी फिक्स जगह है। यहाँ पे पता नहीं कोई, कभी अली सो जाता है, कभी अमीन सो जाता है, और कभी उसके डैडी आते तो उसके डैडी सोते, पर इसकी जगह फिक्स है। नहीं खाना उसको, बहुत ज्यादा नींद में नहीं बोलता, नहीं बना। फिर मैंने कैमरा बंद करने के बाद भी बहुत उसको प्यार से उठा के पूछी कि थोड़ा चिकन बना दूं, खाएगा? तो कहता नहीं मेरे को नहीं खाना, मतलब बोल ले रहा बस, इतना ज्यादा थका हुआ है वो, तो नहीं खाना खाना उसको। चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो हम लोग के लिए तो बनाना पड़ेगा, थोड़ा चिकन बना लेती हूँ। थोड़ा सा पीनो का चिकन भी रखा हुआ है बॉइल वाला, तो मैंने बच्चों को भी दे देती हूँ गरम करके, और अली के लिए सॉरी अमीन के लिए तो चिकन मैंने सुबह ही सब करके रखी थी मसाले में, और थोड़ा सा सैलेड भी बना हुआ है उसके साथ साथ, और देखती हूँ और थोड़ा क्या बनाऊँ। और उसके बाद मेरी फ्रेंड लोग ने बोला है कि 9 बजे का मुहूर्त है, हमारी सोसाइटी में भी बैठते हैं ना गणपति, तो 9 बजे का मुहूर्त है तो तू नीचे उतर, क्योंकि इन दिनों मैं ज़्यादा नीचे रहती नहीं तो मुझे सब चिढ़ाती है, सेलिब्रिटी उतर जाना, यहाँ उतरती हूँ तो फिर थोड़ा देर जाऊँगी नीचे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हो सकेगा तो व्लॉग का भी एंड करूँगी। अब आ गए सोसाइटी में नीचे, पर अभी तक गणपति बप्पा नहीं आए, सब स्वागत के लिए खड़े हैं, और मुझे भी फ़ोन आया कि नीचे उतर, तो मैं उतरी हूँ नीचे। अब थोड़ा फ्रेंडों के साथ में गॉसिपिंग, थोड़ा मिलना मिलाना, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर, और मैं भी इंशाल्लाह गणपति बप्पा का वेलकम में खड़ी रहूँगी। और बस दुआ है कि हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं होती, बात होती है श्रद्धा की, बात होती है रिस्पेक्ट की। हिंदू भगवान को पूछता है, मुस्लिम अल्लाह को पूछते हैं, पर मानते एक ही चीज़ है, वो मैं घर जाके आपको बात करूँगी। अभी फिलहाल मेरे फ्रेंड लोग से थोड़ा मिल लेते हैं। चलो अभी हमारी सोसाइटी से सब जा रहे हैं गणपति बप्पा को लाने के लिए, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बाप रे, पानी बारिश है ना, ये गणपति बप्पा का स्वागत, अभी मैं इस्तकबाल बोलती हूँ, मतलब वेलकम, ऐसा वेलकम होता है ठंडे ठंडे में। क्या हवा चल रही है ना, बस भीगी हूँ, और कितने सालों के बाद मेरी फ्रेंड लोग के साथ एकदम इजी टाइम, जैसा मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी
तो उनके साथ टाइम एक्सपेंड करते थे, ट्यूशन छोड़ के फिर उन लोग हम थोड़ा नीचे बैठ के टाइम एक्सपेंड करते थे। इस तरीके का जो मेरे दोस्तों के साथ कनेक्शन था, सोशल मीडिया पे आने के बाद काफी चीजों से मैं बहुत दूर हुई। और ये आज मुझे लगता है कि ये जो चीजें है ना जो अभी मैं कर रही हूँ ये रियलिटी है, सोशल मीडिया जो है ना वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि मुझे अब महसूस होता है ये सब चीजों के साथ में जब मैं अभी गुजरती हूँ, ज्वाइंट होती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था यार के दोस्त लोगों से भी मिलना मेरा कम हो गया था, काम की वजह से बोलो या फिर वीडियोस बनाती थी, फिर काम से फुर्सत होता तो उतना टाइम नहीं रहता था कि मैं नीचे चली जाऊं, तो उतने टाइम में अपने वीडियो बना लेती थी ये वो समथिंग समथिंग। लेकिन नहीं, जो हमारे कलीग होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो सोशल मीडिया के बाहर, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के बाद तो यार मैंने बहुत अलग ही दुनिया देखी और बहुत अलग लोगों से मेरी तारुफ हुई है, वो तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, आई एम सॉरी, वो चीज तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। और माशाल्लाह बहुत सालों से हमारे यहाँ सोसाइटी में गणपति आते हैं, और हमारे सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम सिख पंजाबी हर कास्ट के लोग रहते हैं, और हर कास्ट के लोग डोनेशन देते हैं, और वो सब मिला के एक सार्वजनिक गणपति हमारे सोसाइटी में बैठते हैं और सब लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो मैं बहुत टाइम हो गया था कि मैं ऐसे मतलब इतना वक्त नहीं दे पाती थी। हाँ ये है कि जब गुजरती थी तो सबसे बातचीत करती थी और डोनेशन लेने आते थे तो वो दे देती थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा वक्त है कि मैं थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहती हूँ, कम रहती हूँ, और ये सब चीजों में थोड़ा सा जुड़ने लगी हूँ, मुझे अच्छा लगने लगा है। और बाकी तो कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको ऊपर बोली कि ऊपर जाके आपको बात बताऊंगी, तो यही बात थी कि हर कोई इंसान अपने कास्ट को रिस्पेक्ट करता है और अपने कास्ट को रिस्पेक्ट इस तरीके से करता है कि वो उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन दूसरे की कास्ट को जो है वो इज्जत देता है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता वो। तो यही बात मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ये सब चीजों को रिस्पेक्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, पर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ जाके। तो इसी तरीके से कोई मेरे हिंदू दोस्त है तो वो आके मेरी जो जैसे कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, जैसे मैं उनको कुछ बातें बताती हूँ, जैसे अजमेर शरीफ की बात बताती हूँ, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना कि उसमें शामिल होके उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब लोगों की अपनी अपनी सोच है, और जिंदगी में कभी आप लोग ये सोच कभी नहीं रखना, हर कोई इंसान अपने दिल से अपनी भगवान की हो या अपनी कास्ट की इज्जत करता है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ भाईचारा रखना चाहिए। और आज तो आपने देखा हर जगह पे गणपति पप्पा की धूम है, तो मुझे लगता है आज का व्लॉग भी मेरा उनके नाम पे ही होना चाहिए। तो फिलहाल बस जो भी बातें थी, जो भी दिन भर की छोटी छोटी चीजें थी वो आपके साथ शेयर करी हो, आपको अच्छा लगे तो देखिए जरूर, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।